नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों की जैसा पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, भगवान श्री सत्यनारायण कथा का संस्कृत में आज मैं आपको दूसरा अध्याय बताने वाला हूं। दोस्तों कथा शुरू करने से पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। सुतम उवाच अथान्यत संप्रच्छामि कृतं येन पुरा द्विजः कश्चिते काशी प्रेरम्ये हास्यतो विपतो निर्धनः। सुदग्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुखित ब्राह्मणं दृष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिय। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं प्रपक्षं द्विजमात्रतः किमर्थं विरमसे विप्रमहि नित्य नित्य सुदुःखितम्। तत्सर्वश्रोतुमिच्छामिं कथयता दुःसत्तमः। ब्राह्मणो उवाच ब्राह्मणितो दरिद्रोऽहं विच्छात वैभ्रमे महिमम् उपायं यज्जानासि कथय कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विश्व वांछित फलप्रद तस्य तु भोजनं विप्रं कुरुष्व व्रतमत्वम् यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च प्रतिशापि प्रायः भाष्यत नद। सत्यनारायणो विदस्त्रैवान्तरधीयते तदं प्रथम सकृष्यामि उक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्तं विप्रासो रात्रौ निद्रा न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्य इति संकल्पच्छ भिक्षादगं दं द्विज तस्मिन् दिने विप्रं प्रचुर द्रव्यमाप्तवान् तेन बन्धुभिसाधं सत्यस्य व्रतमाचरत सर्वदुःख निर्मुक्तो सर्वसंपद समन्वितः बभूव सदसु श्रेष्ठो वृत्तस्यात् प्रभावतः ततः प्रावित काले च मासे मासे व्रतं कृतम् एवं नारायणस्य इदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमं सर्वपाप निर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान् व्रतमस्य यदा विप्रं पृथिव्या संकरिष्यते तदैव सर्वदुःखं तो मनुष्यस्य विनश्यते। एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मया तत् कथं विप्रा किमन्यत् कथयामि वः। ऋषे उवाच तस्मादं विप्राशितं केन पृथिव्या चरितं मुने तत् सर्वश्रोतुमिच्छामं श्रद्धास्माकं प्रजायते। सुतं उवाच श्रुद्धं मुनेः सर्वे व्रतं ये निकृतं भवे एकदा सद्विजरो यथा विवत्सरो बन्धुवे स्वजनैः साधं व्रतं कर्तुं समुदितः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठकेता समागमतम् बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रश्य गृहमायो तृष्णया पीडितात्मा च दृष्टा विप्रं कृतं मृतम् प्रणिपत्यं द्विजं प्राहं किमिदं क्रियते त्वयां कृतेम कि फलमाप्नोत्ते विस्तराद्वद् मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्य इदं व्रतं सर्वे सत्यव्रतं तस्यं प्रसादान् मे सर्वधनधान्यधिकं महत् तस्मादेतत् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकेतातिहर्षितः पपौ जलोपसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विकृतो ग्रामे प्रापतं चादयद्धनं तेन सुतदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचित्य मनसा काष्ठ धृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धन्याम्यंत सजिते तदने काष्ठमौल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् से ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृतदुग्धं च गोधूमस्य च चोडकं कृतक्त संपादं च गृहीत्वा स्वगृहमेव ततो बन्धुं समाहयं चकारं वेदनामृतं तदा प्रत्यक्ष प्रभावेणं धन्यपुत्रान्तोऽभवत् यः लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययोः। श्री स्कंदपुराय रेखाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां द्वितीय अध्याय है। बोल दो प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय। बोल दो प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय।